ईरान ने नई खोज की है, एक ऐसी मशीन जो चोरों की उंगलियां काट देती है। इस मशीन का इस्तेमाल अदालत में गुनहगार ठहराए गए लोगों को सजा देने के लिए होता है। अफसोस है कि हमारे देश में ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं है जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के हाथ काटने की सजा दे सके। जस्टिस एस वैद्यनाथन, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के जज एस वैद्यनाथन ने यह कड़ी टिप्पणी एक मामले में फैसला सुनाते हुए की है। जस्टिस वैद्यनाथन ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता एलावर्सन की उस याचिका पर फैसला सुनाते हुए दी जिसमें उसने सरकारी अधिकारियों से जायदाद के कागज लौटाने की मांग की थी। जस्टिस वैद्यनाथन ने फैसले में एलावर्सन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नचियप्पन परिवार की जायदाद हड़पने का गुनहगार बताते हुए कहा, यह अदालत धोखाधड़ी के मामलों में याचिकाकर्ता की उंगलियां काटने जैसी कड़ी सजा देने के पक्ष में है। अगर कानून कड़े होते तो ऐसे अपराधी गैर कानूनी काम करने की हिम्मत नहीं करते। जस्टिस एस वैद्यनाथन, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के जज की यह टिप्पणी कड़े कानूनों को लेकर देश में एक नई बहस खड़ी कर सकती है।